देश के लिए कुछ मतलब कुछ अच्छा कर सकूं, सबसे पहला कि मैं मेडल ला सकूं अपने देश के लिए। क्योंकि जो क्या बोलते हैं, हमारा जो खेल का जो सफर था वो सब जूनियर लेवल था मेरा। सब जूनियर में मेरे गोल्ड मेडल हैं, जूनियर में भी गोल्ड मेडल है, सीनियर में अभी हमारी प्रैक्टिस चल रही है उसके लिए, ताकि हम नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल ला सके। क्योंकि अंजलि ने बताया कि आखिर उन्होंने बेसबॉल ही क्यों चुना। बेसबॉल मुझे नया गेम लगा, यूनिक गेम लगा, क्योंकि हमारे इंडिया में बेसबॉल को ज्यादा लोग जानते नहीं है। लेकिन जो मतलब पहले हम भी खेल चाहते थे कि किसी मतलब जैसे हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, इसमें चले जाएं। लेकिन जब हमारी स्कूल में जो मैम थी वो बताएं कि एक बेसबॉल गेम है, अमेरिका का गेम है, उस टाइम पे हमारे यहाँ बिलासपुर में इंडिया जूनियर का कैंप लगा था, इंडिया कैंप लगा था, उसमें एक कोच आए हुए थे अमेरिका से, उनका नाम था गैरी एप्स, तो वो उस टाइम पे आए थे। तो जो पहला जो मेरा एक्सपीरियंस था, उन्होंने मुझे थ्रो वगैरह करना सिखाया। मतलब उस टाइम पे मैं वो मुझे पिचर बनाए थे, क्योंकि मेरी थ्रो बहुत अच्छी थी, तो वो मुझे पिचिंग की प्रैक्टिस करवाते थे सर। तो उसी टाइम से मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि मैं भी खेल सकती हूँ, मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ। मेरे पति पुलिस विभाग में काम नौकरी करते हैं और मैं बस शुरू से ही अकेली ही अपने हमेशा बाहर रहते थे, तो बच्चों का देखभाल पालन पोषण मैं कर रही थी। और मेरी बेटी को पढ़ने के लिए बिलासपुर भेजी, अपने पापा लेके गए, तो वहीं से वो खेलने के सीखी और खेली, फिर आज आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। और इसके लिए सब कोई, हमारे क्षेत्र के विधायक चाहे गांव के, सब कोई सपोर्ट करते हैं, हम लोग से सबका बढ़िया संपर्क है और प्रशासन भी उसको अभी बहुत ध्यान दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं। अंजलि खलखो नाम की लड़की जो कुसमी वन विभाग से बिलोंग करती है, उसने बेसबॉल खेल के क्षेत्र में राज्य का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। और उसी तरह से और भी यहाँ पे छात्र छात्राएं और बच्चे जो हैं, जो खेल कूद में इंटरेस्टेड हैं, उनका जिला प्रशासन पूरी तरह से सहयोग करेगा और प्रयास करेगा उनको आगे बढ़ाने की, ताकि वो इसी तरह से आगे मुकाम को हासिल करें और आगे बढ़ें और जिले का, बलरामपुर जिले का और छत्तीसगढ़ राज्य का नाम।